प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। हरियाणा सीएम की घोषणा पर सियासी घमासान, नई पंचायतों के लिए 100 करोड़ का ऐलान। कांग्रेस बोली, मंत्री के बयान पर ममता ने मांगी माफी। अखिल गिरी ने कहा कि हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है। सीएम बोली, अगली बार एक्शन होगा। जबरन धर्म परिवर्तन देश के लिए सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धर्मांतरण बेहद गंभीर मामला। पूर्वी लद्दाख में 50,000 जवान तैनात, चीन की साजिशों को करेंगे नाकाम। बॉर्डर पर चीन ने नहीं घटाई सैनिकों की संख्या। जेल से रिहाई के बाद बोली नलिनी श्रीहरन, मुझे नहीं पता राजीव गांधी की हत्या किसने की। ईडब्ल्यूएस कोटा के बाद मराठा आरक्षण की लड़ाई तेज, महाराष्ट्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, मुझसे उम्मीद ज्यादा है लेकिन मैं यहां चमत्कार करने नहीं आया हूं। बिहार के सृजन घोटाले के मामले में बीओबी के 2 पूर्व पदाधिकारी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता से विपक्ष भयभीत, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस का दावा मई में हुई हत्या, दोस्त ने कहा जुलाई में हुई थी बात। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की 4थी लिस्ट जारी, अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से होंगे उम्मीदवार। अब तक कुल 179 नामों की घोषणा, 51 सांसद और 71 विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल। मिजोरम में पत्थर की खदान धसी, 8 मजदूरों के शव मिले, 4 की तलाश जारी, सभी बिहार के रहने वाले थे। श्रद्धा मर्डर केस में दोस्तों का दावा, उसने जुलाई में कहा था मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा, घरवालों को भी बताया था। हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, बोले पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार। मथुरा के वैज्ञानिक की इंदौर में मौत, भाई ने कहा लैब ऑनर गौरव को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले हमें डेड बॉडी मिली। किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर रेप, कानपुर के 6 महीने तक इज्जत लूटी, ब्लैकमेल कर घर से कैश मंगाकर हड़पे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 के पैर में लगी गोली, सवारी बनाकर करते थे लूट। यति नरसिंगर नंद का माफीनामा, कहा था पृथ्वीराज राजपूतों को मारा, मोहम्मद गौरी को छोड़ा रहा, क्षत्रिय समाज ने किया विरोध।
बरेली में लड़की जेवर लेकर प्रेमी संग भागी 17 साल की लड़की का चल रहा था प्रेमी के साथ अफेयर, घर से नकदी और मां के जेवर भी गायब। गोरखपुर में पिता दो बेटियों के शव लटके मिले, मेन गेट से खुला था सुसाइड नोट में लिखा था दोनों तोते को उड़ा देगा, पुलिस ने कब्जे में लिए। सेना में भर्ती के नाम पर 12 लाख की ठगी, मेरठ पुलिस ने पकड़ा नटवरलाल, इंटेलिजेंस जांच में जुटी आईडी कार्ड और वर्दी बरामद। अलीगढ़ में ईंट से कुचलकर की बुजुर्ग की हत्या, कुर्सी थाना क्षेत्र के धौरा माफी की घटना है, गाली गलौज करने का बुजुर्ग ने किया था विरोध। आजमगढ़ में सीएमओ का पैथोलॉजी केंद्रों पर छापा, 17 केंद्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा, अधिकारियों को देखते ही भागने लगे दुकानदार। प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी, 24 घंटे में एलाइजा टेस्ट मिले डेंगू के महज 13 नए मरीज। रायबरेली में शराब के ठेके के सामने मिला युवक का शव, शव के पास मिले थे पाउच, परिजनों ने मचा हड़कंप। बलिया पहुंचे प्रख्यात चिंतक व राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान विषय कार्यक्रम में देंगे व्याख्या। इटावा में सड़कों में पैचवर्क का कार्य अधूरा, 15 दिन बड़ी काम पूरा करने की मियाद, अधिकारियों के पास ना पूरे हुए काम का रिकॉर्ड। उन्नाव में भागवत कथा में पहुंचे राज्य मंत्री दानिश अंसारी, बोले सपा परिवारवादी पार्टी, मैनपुरी में होगी भाजपा की ऐतिहासिक जीत। सरकारी आंकड़ों में डेंगू हुआ बेअसर, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड, वायरल फीवर के केस भी बढ़े। सुल्तानपुर में करोड़ों के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, नगर के चौरीकरण के नए बने डिवाइडर गाड़ी की टक्कर से टूटे, 10 दिन पूर्व बैठ गई थी सड़क। प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, बोले नेहरू ने अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को समझा और खत्म किया। वाराणसी में डेंगू के 65 मरीज भर्ती, जिले में डेंगू के 272 बेड रिजर्व, डॉक्टर बोले हर 2 घंटे पर पिलाएं ORS के घोल। हाथरस में सरकार के फैसलों के विरोध में हड़ताल शुरू, मंडलाध्यक्ष बोले खेतों में टीले तार पर रोक, मनाई मनमानी, शोषण नहीं होगा बर्दाश्त। देवरिया में युवती और परिजनों में मारपीट मामले में ग्राम प्रधान समेत परिजनों का मुकदमा दर्ज, आरोपी फरार। वर्दी के साथ दरोगा की रील वायरल, कुर्सी पर बैठकर भोजपुरी गाने का ले रहे थे मजा, बोले गश्त के दौरान मिले थे कुछ लोग। संभल में होमवर्क ना करने पर छात्र की पिटाई, एक कान से सुनाई देना हुआ बंद, गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर। बरेली में 272 पहुंची डेंगू के मरीजों की संख्या, शहर से लेकर देहात तक मिल रहे हैं डेंगू के मरीज, 24 घंटे में 6 नए मामले। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्रियों का किया भांडाफोड़, फैक्ट्री संचालित करते 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पति की हत्या के आरोप में पत्नी प्रेमी के साथ गिरफ्तार, भदोही निवासी का पडरी में मिला था शव, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।
अम्बेडकर नगर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के घर किया नोटिस चस्पा। नौकरी के नाम पर ठगी करने का है आरोप। गाजियाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी में दबंगों ने युवक की जमकर की है पिटाई। पिटाई का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है मजदूर का शव। शक्ति ग्रीन अपार्टमेंट में लिफ्ट की डक्टिंग में मिला शव। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहे डेंगू के कहर। 48 घंटे के अंदर डेंगू से दूसरी मौत। पिछले 24 घंटे में 45 नए मरीज। हरदोई में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेसियों ने दिखाया दमखम। शहर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। उत्तराखंड के पर्यटकों के लिए खुले राजाजी पार्क के गेट। 15 जून तक ले सकते हैं जंगल सफारी का आनंद। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई शुरू। 19 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। उत्तराखंड में पौड़ी के थापली गांव में एक मकान में लगी आग। बुजुर्ग दंपत्ति की जलकर हुई मौत। उत्तराखंड में गौला से उपखनिज निकालने वाले वाहनों की सत्यापन प्रक्रिया 2 माह से जारी। अब तक सिर्फ 18 ने कराया सत्यापन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कहा भाजपा का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस की पदयात्रा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता की कहानी दोहरा सकती है भाजपा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों से किए वादों को कर रही है पूरा। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। हर की पौड़ी से की है इसकी शुरुआत। उत्तराखंड के देहरादून में रात को पोल से टकराई बाइक। एलएलबी के छात्र समेत 2 की मौके पर मौत। एक युवक था बिहार का रहने वाला। उत्तराखंड के देहरादून में 12 साल पहले हुआ था दिल्ली जैसा ही एक जघन हत्याकांड। शव के किए थे 72 टुकड़े। रखा था डीप फ्रीजर में। उत्तराखंड के रुद्रपुर में महिला ने फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी। 2 बच्चों को लिया था गोद। उत्तराखंड में 1 साल में बनने वाले कलसिया पुल को 14 माह में नहीं मिल रहा है कोई ठेकेदार। फिर टेंडर निकालने की तैयारी। उत्तराखंड के नैनीताल में 100 रुपए के लिए हल्द्वानी से भरे बाजार में। वैणियों से लगे व्यापारी बोले सरकारी कर्मचारी ना बोलो। उत्तराखंड में दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे 6 हेलीपोर्ट। बनेंगे टर्मिनल भवन। यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कहा भारत नेपाल के रिश्तों को ऑक्सीजन देता है जल जीबी मेला। G20 समिट में मिले मोदी बाइडेन। बातचीत के बाद खुलकर हंसे। फिर मोदी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाकर हाथ मिलाया।
वार कोरोना ने दुनिया में मचाई है तबाही। पीएम मोदी बोले G20 से दुनिया को उम्मीदें, यूएन भी नहीं रोक पाएगा यूक्रेन जंग। बाली में सुनक के साथ पीएम मोदी की पहली मुलाकात, बोले दुनिया के विकास के लिए भारत जरूरी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के गवादर में की है रैली, सीपीईसी परियोजनाओं को रोकने की दी धमकी। नेपाली सेना ने भारतीय कंपनियों को दिया झटका, चीन को सौंपी सीमा पर एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका। आसियान बैठक के बाद कंबोडिया के पीएम हुन सेन कोरोना संक्रमित, बाली में इकट्ठा हुए हैं विश्वभर के शीर्ष नेता। G20 में मिले बाइडेन और जिनपिंग, ताइवान मुद्दे पर चीनी ड्रैगन को शांत करने की हुई कोशिश। अमेजन में 10,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी, घाटे की वजह से हुआ फैसला, कंपनी में इंसानों की जगह ले रहा है रोबोट। साइकिल चोरों से परेशान अमेरिका का शहर, लोग जीपीएस लगवा रहे हैं, चोरी की कंप्लेंट से परेशान होकर कई पुलिस वालों ने छोड़ी नौकरी। यूएनजीए में रखा गया प्रस्ताव, यूक्रेन में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे रूस, वोटिंग से दूर रहा भारत, 94 देशों के ने पक्ष में डाला वोट। भारतीय बाजार को सुरक्षित मान रहे हैं विदेशी निवेशक, चीनी शेयर बाजार में गिरावट का फायदा यहां के बाजारों को मिला। अक्टूबर में घटी रिटेल महंगाई, सब्जियों और दालों के दाम कम होने से महंगाई दर घट कर 6.77% पर आई, सितंबर में 7.41% रही थी। 18 महीने बाद सिंगल डिजिट में थोक महंगाई, अक्टूबर में WIPI 10.70% से घटकर 8.39 पर आई, मार्च 2021 के बाद सबसे कम। बैंक ऑफ बड़ौदा का सस्ता किया होम लोन, ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.25%, किया प्रोसेसिंग शुल्क पर 100% की छूट। खत्म होगा गूगल जैसे टेक दिग्गजों का एकाधिकार, भारत अमेरिका और EU बना रहे हैं कानून, ताकत का गलत इस्तेमाल रुकेगा। गौतम अडानी जल्द बनेंगे NDTV के मालिक, सेबी ने अडानी ग्रुप को ओपन ऑफर लाने की दी मंजूरी। जेफ बेजोस अपनी अधिकांश संपत्ति दान करेंगे, मंदी की आशंका पर दिया ये बड़ा बयान। क्रिप्टो एक्सचेंज की तबाही से भारत में भी भय का माहौल, देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं। अमेजन में 10,000 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी, घाटा बढ़ने की वजह से बनाई योजना। ED में VOI से जुड़े धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दाखिल, PMLA के तहत हुई कार्रवाई। वर्ल्ड कप से ठीक पहले रोनाल्डो का बड़ा दावा, बोले मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है, कुछ लोग मुझे बाहर करना चाह रहे हैं। BCCI धोनी को दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बना जा सकता है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट।
पाकिस्तान की टीम पर बरसे वसीम अकरम बोले, हमने बल्लेबाजों की कई गलतियां की, आखिर में हमें अच्छी लड़ाई की। आईपीएल 2023 में केन विलियमसन को रिलीज करने की तैयारी में सनराइजर्स हैदराबाद, हो सकती है टीम की छुट्टी। आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के हो सकती है आर अश्विनी की छुट्टी, फ्रेंचाइजी कर सकती है रिलीज। भारत के खिलाफ सीरीज में के लिए न्यूजीलैंड ने किया है टीम का ऐलान, वोल्ट और गुप्टिल को दिया गया आराम। आईपीएल मिनी ऑक्शन का हिस्सा बनेंगे बेन स्टोक्स, सभी फ्रेंचाइजियों को है उनका इंतजार। काइनन पोलार्ड पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, कहा मुंबई इंडियंस के लिए फैसला आसान नहीं। आईपीएल 2023 का हिस्सा नहीं होंगे पैट किम्सन और मिचेल स्टार्क, मुंबई इंडियंस ने कायान पोलार्ड को किया रिलीज। तलाकी हवाओं के बीच शोएब मलिक ने खास अंदाज में दी सानिया मिर्जा को बर्थडे की बधाई, फैंस हो रहे हैं कंफ्यूज्ड। शुभमन ने सारा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, चैट शो में बोला सारा दा सारा सच बोल दिया। मस्ती के मूड में दिखी प्रियंका चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती के गाने पर दोस्तों के साथ किया जमकर डांस। नहीं रहे तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार कृष्णा, 79 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन, महेश बाबू के पिता थे। सुनील ग्रोवर का मजेदार वीडियो हाईवे पर गर्मा गर्म मूंगफली बेचते नजर आए कॉमेडियन, फैंस बोले क्या दिन आ गए। तारक मेहता के सुंदर ने बनाया पीएम मोदी का स्टैच्यू, मयूर वकानी ने फोटो शेयर कर लिखा पीएम के साथ सेल्फी। सलमान शाहरुख के साथ दिखेंगी टीवी एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा, बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही हाथ लगी टाइगर और जवान। अर्चना गौतम की बिग बॉस के घर में वापसी, कभी टीआरपी तो कभी फैंस की डिमांड पर मेकर्स ने निक्की तंबोली समेत इन कस्टेंट कंटेस्ट को कराई थी रिंट्री। दुनिया भर में ब्लैक पैंथर की दहाड़, ऑफ हॉलीवुड फिल्म वकांडा फॉरएवर ने 3 दिन में कमाए 2678 करोड़, भारत में 51 करोड़ का बिजनेस। एक बार फिर अतरंगी आउटफिट में दिखे रणबीर सिंह, मुंबई एयरपोर्ट पर सोनू सूद सोफी चौधरी समेत कई सेलिब्स आए नजर। पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, अदनान सामी ने कहा कि हर कोई पूछता है पाक क्यों छोड़ा, मुझे वहां एस्टेब्लिशमेंट से बहुत दिक्कतें थी। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही, देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।